नमस्शिवाय अरहर महादेव शंभो शंकर शिव अष्टोत्तर शतनामावली ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम संभवे नमः ओम विनायकने नमः ओम सस्यशेखराय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम कपोर्थिने नमः ओम निर्लोहिताय नमः ओम शंकराय नमः ओम सोलपाणिये नमः ओम कटवांगिने नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम श्रीयुष्टाय नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भवाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम स्थितिकंठाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम उग्राय नमः ओम कपारिणे नमः ओम कौमार्ये नमः ओम अंधकासुर सुधराय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम ललाटाक्षाय नमः ओम कालकालाय नमः ओम कृपानिधिये नमः ओम भीमाय नमः ओम परशुहस्ताय नमः ओम मृगपाणिये नमः ओम जटाधराय नमः ओम कैलासवासिने नमः ओम कवचने नमः ओम कठोराय नमः ओम त्रिपुरांतकाय नमः ओम वृक्षांकाय नमः ओम वृक्षवारुडाय नमः ओम भस्मोद्धृत विग्रहाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम सर्वमयाय नमः ओम त्रिमूर्तये नमः ओम अनीश्वराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ओम अभिषेय नमः ओम यज्ञमयाय नमः ओम सोमाय नमः ओम पंचवक्ताय नमः ओम सदाशिवाय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम गणनाथाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यदेतसे नमः ओम दुर्दर्शाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम अनघाय नमः ओम भुजंगभूषणाय नमः ओम भर्गाय नमः ओम गिरिधनवने नमः ओम गिरिप्रियाय नमः ओम कृतवासये नमः ओम पुराराते नमः ओम भगवते नमः ओम प्रमदाधिपाय नमः ओम मृत्युंजय नमः ओम सुस्पतनवे नमः ओम जगद्वापिने नमः ओम जगद्दुर्गवे नमः ओम ओम केशाय नमः ओम महासेन जनकाय नमः ओम चारुविक्रमाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भूतपतये नमः ओम स्थाणवे नमः ओम अहिर्पद्याय नमः ओम दिगंबराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्वकाय नमः ओम शुद्ध विग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम गंडपरसवे नमः ओम अजाय नमः ओम वासुमोचकाय नमः ओम मृडाय नमः ओम पशुपतये नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम अभयाय नमः ओम हरये नमः ओम पुष्यदंताभिधे नमः ओम अभिग्रहाय नमः ओम दक्षाधराय नमः ओम हराय नमः ओम भग्नेत्रभिधे नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपादे नमः ओम अपवर्गप्रदाय नमः ओम अनंताय नमः ओम तारकाय नमः ओम परमेश्वराय नमः अष्टोत्तर शतनामावली समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। ओम हरहर महादेव शंभो शंकर। ओम नमः शिवाय। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सरलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमदनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प संपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनारबुंदं सूर्याय दक्षाद्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राक वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मयकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षमिद पुण्यं एपटे शिवसन्निधौ शिवलोकमवात्मोऽस्मि शिवेन सह मोदते। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो शंकर। ॐ हर हर महादेव शंभो शंकर। ॐ नमः शिवाय। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। नागेन्द्र हराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सरलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमदनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प संपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनारबुंदं सूर्याय दक्षाद्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय।
वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखरायाम चंद्राक वैश्वानर लोचनायाम तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधरायाम पिनाकहस्ताय सनातनायाम दिव्याय देवाय दिगंबरायाम तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षमिद पुण्यम एपटे शिवसन्निधौ शिवलोकमवात्मोऽस्मि शिवेन सह मोदते ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो शंकर हर हर महादेव शंभो शंकर ओम नमः शिवाय लिंगाष्टकम् ब्रह्ममुरारि सुराक्षित लिंगम निर्मल बासि शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम पणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्षसेज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावेर भक्ति विरेवच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम सुरगुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवर पुष्प सदाचित लिंगम परात्पर परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम लिंगाष्टमिद पुण्यम एपटे शिव सन्निधौ शिवलोकमवात्मोऽस्मि शिवेन सह मोदते महादेव शंभो शंकर ओम नमः शिवाय फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ हर हर महादेव शंभो शंकर ओम नमः शिवाय लिंगाष्टक ब्रह्म मुरारि सुराक्षित लिंगम निर्मल बासि शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम पणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्षस यज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम बावेर भक्ति विरेवच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम सुरगुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवर पुष्प सदाचित लिंगम परात्पर परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम लिंगाष्टमिद पुण्यम एपटे शिव सन्निधौ शिवलोकमवात्मोऽस्मि शिवेन सह मोदते हर हर महादेव शंभो शंकर ओम नमः शिवाय फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ हर हर महादेव शंभो शंकर ओम नमः शिवाय बिल्वाष्टकम् त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पितम् दिशाकै बिल्वपत्रैच्चाम् अच्युते कोमलैस्तुम्बै तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पितम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पितम् सालग्रामेषु विप्रेतडागवनकोपयो यज्ञकोटिसहस्राणाम् एकबिल्वं शिवार्पितम् दन्तकोटिसहस्रेषु अश्वमेधशतानिच्चाम् कोटिकन्याप्रदानेन एकबिल्वं शिवार्पितम् एकं च बिल्वपत्रैच्चं कोटियज्ञं फलं लभेत् महादेवैश्च पूज्यार्थम् एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीक्षेत्रनिवासं चकारभैरवदर्शनं गयाप्रयागमेतुश्च एकबिल्वं शिवार्पणम् उमया सहदेवेशं वाहनं नन्दिशङ्करं मुच्युते सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो शंकर हर हर महादेव शंभो शंकर ॐ नमः शिवाय बिल्वाष्टकम् त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्यायुधम
त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पितम त्रिशाकै बिल्वपत्रैच्चाम अच्छिदे कोमलैस्तुम्बै तव पूजां करिष्यामि एक बिल्वम शिवार्पितम दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पितम सालग्रामेषु विप्रेह तडाक वनकोपयो यज्ञकोटि सहस्राणाम एक बिल्वम शिवार्पितम दंतकोटि सहस्रेषु अश्वमेध शतानिच्चाम कोटिकन्या प्रदानेन एक बिल्वम शिवार्पितम एकम च बिल्वपत्रैच्चाम कोटेयच्चम फलम लभेत महादेवैच्च पूज्यार्थम एक बिल्वम शिवार्पणम काशी क्षेत्र निवासम चकार भैरव दर्शनम गया प्रयाग मेधुश्च एक बिल्वम शिवार्पणम उमया सहदेवेशम वाहनम नंदीशंकरम मुर्चुते सर्वपापेभ्यो एक बिल्वम शिवार्पणम ओम नमः शिवाय अरह महादेव शंभो ओम नमः शिवाय अरह महादेव शंभो ओम नमः शिवाय अरह महादेव शंभो अरहर महादेव शंभो शंकर ओम नमः शिवाय द्वादश ज्योतिर्लिंग सूत्रम सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनां महाकालम ओंकारेत्वा मामलेश्वरम हर्यां वैद्यनाथंच दाकिनां भीमशंकरम हेतु बंदेतु रामेशम नागेशम दारुका वने वारणास्यांतु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम ग्रीष्मे संतु विशालके एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पटे नरम सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति अरहर महादेव शंभो शंकर ओम नमः शिवाय द्वादश ज्योतिर्लिंग सूत्रम सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनां महाकालम ओंकारेत्वा मामलेश्वरम हर्यां वैद्यनाथंच दाकिनां भीमशंकरम हेतु बंदेतु रामेशम नागेशम दारुका वने वारणास्यांतु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम ग्रीष्मे संतु विशालके एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पटे नरम सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति देव महाशिवरात्रि का महत्व हरहर महादेव शंभो शंकर ओम नमः शिवाय जटावोम में गंगा जी को धारण करने वाले सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले कंठ में काला पाश तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित हाथ में डमरू और त्रिशूल है के और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिवशंकर शंकर भोलेनाथ महादेव भगवान आशुतोष उमापति गौरी शंकर सोमेश्वर महाकाल ओंकारेश्वर वैद्यनाथ नीलकंठ त्रिपुरारी सदाशिव तदाम अन्य सहस्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए एवं सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है।
यह त्योहार पुराणों के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशा को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार पुराणों के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दश को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को प्रमुख देवता माना गया है। भारत में भगवान शिव की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से की जाती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में भगवान शिव के कई भव्य मंदिर मिलते हैं। देश के कोने कोने में देवों के देव महादेव का सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत अनुकूल होता है। इस दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। शिवरात्रि पर भगवान शिव की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जिसके सभी दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन सुखमय रहते हैं। भगवान शिव को निराकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके कोई आकार नहीं है और कोई स्वरूप नहीं है। शिव का कोई अंत नहीं है, भगवान शिव अनंत है। लिंग को ईश्वर का निराकार रूप माना जाता है। भगवान शिव को समस्त ब्रह्मांड का मूल कारण माना जाता है। यही कारण है कि शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। शिवलिंग का मतलब प्रमाण भी होता है। फाल्गुन चतुर्दशी की मध्य रात्रि में आदिदेव भगवान शिवलिंग रूप में अमिट प्रभा के साथ उद्भूत हुए। लिंग पूजन को लेकर पौराणिक कथा भी प्रचलित में है। समुद्र मंथन अमर अमृति का उपादान करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही आलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। आलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने आलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध है। विष पीने के बाद भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह को कम करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा का आरंभ हो गई। दीपक हर किसी के घर में जलाया जाता है। दिया में सूत की बत्ती के साथ तेल या घी डालकर जलाते हैं। गाय के घी में रोगाणुओं को दूर भगाने की क्षमता होती है। गाय का घी जब अग्नि के संपर्क में आता है तब वातावरण का पवित्र कर देता है। वेदों में अग्नि को देवता के समान माना गया है। यही कारण है कि आज भी भगवान के सामने शुभ कार्य के समय दीपक जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपक प्रज्वलित करके हम अपने जीवन के अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपक प्रज्वलित करके हम अपने जीवन के अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। घर में दीपक जलाने से सुख शांति और समृद्धि आती है। इससे घर में लक्ष्मी की स्थायी रूप से वास होता है। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में दीपक के अलावा पंचामृत का भी बहुत महत्व है। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का बेलपत्र गंगा जल के साथ दूध दही शहद शक्कर और घी के पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी शिव भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का सबसे प्रमुख भाग उपवास है।
भक्तगणों द्वारा शिवलिंग पूजा में बेलपत्र चढ़ाना, उपवास और रात्रि जागरण करना अनिवार्य है। इसी दिन रात्रि में भक्तों द्वारा भगवान शिव की बारात निकली जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन शिव जी और माँ शक्ति की शादी हुई थी। इस दिन केवल एक समय का भोजन अर्थात फल का सेवन कर सकते हैं। कई सारे भक्त इस दिन निर्जला उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करने भक्तों को मंत्र उच्चारण, शिव आरती तथा शिव आराधना करना चाहिए। महाशिवरात्रि की कथा गिरणी की सत्यनिष्ठा। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरलवत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक शाहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुक सका। क्रोधावश शाहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भ्रांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेलवृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेलवृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गई। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मुर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो भी प्रत्यंचा की चाय मृग बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा टीली कर दी और मुर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मुर्गी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मुर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि भारती, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी अपने प्रिय की गोद में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा तनका, वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मुर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वो तीर जोड़ने ही वाला था कि मुर्ग बोली, हे भारती, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं, ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हो।
उत्तर में ध्रुवी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पार्वती, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ध्रुवी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मुर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। और फाटने को भी तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेंगे। शिकारी की तनी प्रत्यक्षा देख कर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्वती बाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मुर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहन पड़े। मैं उन मुर्गियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवनदान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। उनकी बात सुनते ही शिकार के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीन पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकृपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके प्रायश्चित की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की जड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त किया। महाशिवरात्रि की इस कथा